इस खास प्रोग्राम में दूरदर्शन परिवार की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम हैं ऐतिहासिक रामघाट पर, जो कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बसा है। तैयार अयोध्या धाम, विराजेंगे श्रीमान श्री राम। इस बहुत ही खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये वही जगह है जहाँ पर 22 लाख से ज्यादा दीपोत्सव मनाया गया और उसके साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना 2023 के दीपोत्सव का। इस बार लगता है कि तैयारियां इतनी जबरदस्त हैं कि ये जो रिकॉर्ड है वो पूरी तरह से ध्वस्त होने जा रहा है। मेरे पीछे जो आप रामघाट देख रहे हैं, यहीं पर विशेष लेजर शो के जरिए जो दीपोत्सव होता है उसका एक भव्य आयोजन किया जाता है और इसी वजह से अब अयोध्या पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये नए नए रिकॉर्ड्स अयोध्या बनाता जाएगा और हम कई खूबसूरत कहानियां इस प्रोग्राम के जरिए आप तक लेकर के आते रहेंगे। आपको पता है कि गुजरात से 108 फीट बड़ी अगरबत्ती आ चुकी है। अगर 22 जनवरी को वो जब जलना शुरू होगी तो लगातार 45 दिनों तक वो अगरबत्ती अपनी सुगंध इस पर्यावरण में बिखेरती रहेगी। इसी तरह की अनेक खूबसूरत कहानियां लेकर के हम आए हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री राम स्वयं भगवान श्री राम के नाम का स्वरूप है। जो भगवान की कथा होती है वो भी स्वयं भगवान का ही स्वरूप है, शब्द ब्रह्म के माध्यम से। इसी तरह से रामलीला, जो कि सदियों पुरानी परंपरा रही है, कई जगह पर रामलीला का मंचन, उसकी तैयारियां लगातार जारी है। भगवान राम के जीवन को लोगों तक आसान भाषा में पहुंचाते हुए कई सारे प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं और ऐसा ही एक बहुत ही अनूठा प्रयास हुआ है देवभूमि उत्तराखंड से, जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती हैं भगवान राम की लीला। तो आइए आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की कैसे पहली महिला मंडली भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का मंचन करने के लिए तैयार है, भगवान श्री राम का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी को लेकर पूरे देश में उत्साह और जोश नजर आ रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है तो एक अनोखी रामलीला का मंचन भी हो रहा है। यह रामलीला अपने आप में अनूठी और खास है। यह सब महिलाएं उत्तराखंड से हैं और ये इनकी 14वीं रामलीला है जो अलग अलग शहरों से होती हुई अब अयोध्या पहुंची है। हमारा संकल्प था कि हम 13 रामलीला कर चुके हैं महिलाएं पूरे उत्तराखंड में और दिल्ली में भी की, और अब 14वीं रामलीला के लिए हमारा संकल्प था कि हम अयोध्या धाम में अपनी रामलीला का, जब भगवान रामलला विराजमान होंगे अपने मूल स्थान पे, तो उस समय हम रामलीला का मंचन करेंगे। वो सपना साकार हो गया आज। बड़े उत्साह और खुशी से हमारी बहनें जो है रामलीला का मंचन कर रहे हैं और हम अति उत्साहित हैं, बहुत ही खुश हैं। हमारी पूरी महिलाओं की टीम है। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे पुरुष प्रधान समाज आज भी है ना, तो पुरुषों को ही देखा है हमने मंचन करते हुए, लेकिन हमारी टीम में टोटल ही महिलाएं हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। इस महिला रामलीला की खास बात ये है कि इसमें हर किरदार में केवल महिलाएं ही नजर आ रही हैं। मैं रावण का किरदार निभाती हूँ और अच्छा भी लगता है। जैसे ही हम अपनी पोशाक पहनते हैं तो बहुत ही जोश आ जाता है। इतना अच्छा लग रहा है कि हम बयां नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मन को इतनी संतुष्टि हो रही है कि हमारा जो संकल्प था वो आज पूरा हो रहा है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है मंचन करते अपने दीदी बहनों के साथ में। ऐसा लगता है कि हम स्वयं साक्षात भगवान की नगरी में आ गए हैं। रामायण के विभिन्न पात्रों का मंचन करने वाली ये महिलाएं कहती हैं कि रामायण का हर पात्र जीवन के लिए एक विशेष संदेश लिए है। वैसे तो इन लोगों ने रामायण का मंचन कई अलग अलग शहरों में किया है, लेकिन अयोध्या में मंचन करने का अनुभव कुछ और ही रहा है। जो रामायण के किरदार है उनकी व्याख्या भी इन्होंने बहुत ही अनूठे ढंग से की है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, तो क्या है मर्यादा और क्यों ज़रूरी है जीवन के लिए, उसे बताने के साथ साथ नारी सशक्तिकरण का भी एक बड़ा और कड़ा संदेश ये महिलाएं यहाँ से दे रही हैं। सांस्कृतिक समागम तो है ही।
कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, अयोध्या धाम। हमारे खास कार्यक्रम में तैयार अयोध्या धाम विराजेंगे श्रीराम, और इस वक्त मैं रामघाट अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हुआ इस कहानी को और आगे लेकर के जाता हूँ। कहते हैं कि आपके अंदर जो भगवान राम बसते हैं वो आपको क्यों नहीं दिखाई देते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें भगवान श्री राम के दर्शन हुए, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आज तक पता नहीं चला कि हमारे अंदर ही भगवान श्री राम उपस्थित हैं। इसका बहुत ही सरल और आसान भाषा में तुलसीदास जी ने कहा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थैर्मीश्वरम्। आप कितने भी सिद्ध हो जाइए, जब तक आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास ये दो चीज नहीं होंगी आपको भगवान श्री राम नजर नहीं आएंगे। और श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा माँ पार्वती और विश्वास भगवान शिव का प्रतीक है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं वहीं पर हैं नागेश्वर नाथ जो कि भगवान शिव हैं। त्रिनेत्र के बारे में आप जानते हैं, उनकी तीन नेत्र जो हैं सूर्य चंद्र और अग्नि, ये तीनों ही के स्वरूप माने जाते हैं। और भगवान राम के नाम में जो र आ और म है वो भी सूर्य चंद्र और अग्नि के ही स्वरूप हैं। इस वक्त नागेश्वर नाथ बहुत ही प्रसन्न है क्योंकि 22 तारीख को उनके प्रभु श्री राम एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं नागेश्वर नाथ से ये विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में श्रीराम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहां विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जब से निर्माण हुआ है हम लोग यहाँ अभी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे, यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। माँ सरयू के रामघाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धा अभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में दो लोग सबसे ज़्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं, एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम लला विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उसके आधे पुण्य अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसके कुछ दृश्य। मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाले डमरू और घंटे की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती हैं। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान शिव के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट। चलिए अब आपको इस कार्यक्रम में एक बहुत ही अनोखी कहानी की ओर लिए चलते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोनों में भगवान सीताराम के नाम लिखने की परंपरा लगातार देखी जा रही है। हैदराबाद में भद्राचलम पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो वहाँ पर 14 करोड़ राम नाम लिखे गए और भगवान राम का मंदिर प्रतिष्ठित हो इसी संकल्प के साथ लिखे गए।
अयोध्या में भी एक बहुत ही खूबसूरत बैंक है जिसको हम सीताराम बैंक के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो अपना खाता खुलवा सकते हैं, सीताराम के नाम के साथ ही आपका खाता खुल जाता है, आपको पासबुक मिलती है और आप उसमें भगवान श्री सीताराम का नाम लिख करके वापस उसी बैंक में जमा कर सकते हैं। और ये जो राशि है, ऐसा कहते हैं संत जन कि भगवान का राम, आपके राम का नाम आपके जीवन में सबसे बड़ा जीवन धन है और उसको सबसे ज़्यादा आपको सहेज करके रखना चाहिए। तो आइए आपको दिखाते हैं बहुत ही खूबसूरत कहानी, सीताराम बैंक, सीधे अयोध्या से। अयोध्या के कण कण में राम है और इसी तरह पे यहाँ पे राम नाम का एक बैंक भी है। क्या है इस बैंक की खासियत और किस तरह से ये बैंक काम करता है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम आपको दिखाते हैं। 1970 से संचालित श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक में कई हजार करोड़ सीताराम नाम की संख्या जमा है। सबसे खास बात इस बैंक की ये है कि यहाँ विभिन्न भाषाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी सीताराम नाम का जप जमा है। वहीं इस बैंक में श्रद्धालु चावल, चना, राई से भी भगवान राम का नाम लिखकर श्रद्धालु अब जमा कराते हैं। सीताराम बैंक है, हम लोग काफी में सीताराम लिख करके जमा करते हैं। यहाँ से लिखने काफी फ्री मिलती है, ये भर जाए तुम लोग जा घर की कोई भी कापी हम लिख सकते हैं। जो संख्या 2.5 लाख सीताराम नाम लिख लाएंगे और आगे लिखते रहेंगे तो आप लोगों के नाम से खाता खुलेगा, पास मिलेगा, प्राण पर मिलेगा। विशेषकर आत्मकल्याण के लिए लिखा जाता है, सभी जपम श्रेष्ठ सरल अद्भुत सीताराम नाम लिखने में है। इस अनोखे बैंक में 25 लाख और 50 लाख श्री सीताराम जप लिखने वाले श्रद्धालुओं को श्री सीताराम अंतर्राष्ट्रीय बैंक से बाकायदा प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है। अब तक कितने लोग हैं जिनका राम नाम में खाता खुल गया है? 27,000 से ऊपर है। 27,000 से ऊपर, हाँ, खाता जिसका खुल गया है, जिसका खाता नहीं खुला अभी 10,000 से ऊपर है। अच्छा, तो यहाँ पर धर्मार्थ कार्य भी होते हैं, कुछ लोगों की सेवा भी होती है? हाँ, लोग बैंक के द्वारा काफी छपवाते हैं और उसका काफी फ्री वितरण होती है। इसका उद्देश्य क्या है? भगवान नाम का प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पर ये तमाम पैकेट्स रखे हुए हैं जो देश विदेश से राम नाम से लिखी हुई कॉपी आई हैं और इन पर पैकेट्स पर एड्रेस भी लिखा गया है और पूरे विधि विधान के साथ जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, 2.5 लाख नाम एक कॉपी में लिखा होता है, उसके बाद इन्हें माँ सरयू में विधि विधान के साथ प्रवाहित किया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन 1970 में महंत नृत्य गोपाल दास ने इस बैंक का उद्घाटन किया था। लगभग 52 साल से श्री सीताराम नाम अंतर्राष्ट्रीय बैंक संचालित है। राम नाम का ये बैंक है जिसका उद्देश्य है कि भगवान के नाम का किस तरह से प्रचार किया जाए, इस तरह की जो कॉपी है वो यहाँ पर दी जाती है और इसमें 2.5 लाख ऐसे कॉलम बने हुए हैं जिन पर लिखा जाता है, पेन भी यहीं से दिया जाता है और इनका कहना है अगर आप यहाँ भी नहीं भर सकते हैं तो आप अपने घर ले जा सकते हैं और बाद में कुरियर करके यहाँ पर भेज सकते हैं। उद्देश्य यही है कि जो भगवान का नाम है वो अंतःकरण में उतरता जाए और उससे जो सेवा के भाव उत्पन्न होते हैं, जो एक बड़ा प्रताप है भगवान राम का, वो भी सभी के अंतर में उतर कर आए। तो आपने इस खूबसूरत कहानी के जरिए देखा कि कैसे भगवान श्री राम का क्या कुछ प्रभाव है और भगवान श्री राम की दो बहनें शास्त्रों में बहुत ही चर्चित हैं। एक तो बहन शांता, जो कि आप जानते हैं कि दशरथ जी की पुत्री थी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और दूसरी उनके गुरु की पुत्री वशिष्ठ की पुत्री जिसको माँ सरयू, क्योंकि जिस तरह से माँ गंगा को भगीरथ लेकर के आए धरती पर, माँ सरयू को वशिष्ठ जी लेकर के आए, इसलिए गुरुपुत्री के लिहाज से भगवान राम की बहन मानी जाती हैं। और राम नाम लिख करके जिस तरह से हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने आपको बताया कि उसको प्रवाहित कर दिया जाता है सरयू की गोद में, और माँ सरयू के अगर आप आध्यात्मिक स्वरूप की कल्पना करें तो श्वेत रंग की साड़ी में उनके गोद में चारों बालक राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 5 साल के बाल रूप में नजर आते हैं, वही उनका स्वरूप है। स्नान करने से पहले सभी को इसी स्वरूप का दर्शन करने के बाद माँ सरयू में मज्जन करना चाहिए। चलिए, इस खूबसूरत कहानी के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से श्री रामलला के नब्द और भव्य मंदिर में, जहाँ पर एक राम कथा कुंज का निर्माण किया जाएगा और उसमें बहुत ही विशिष्ट मूर्तियां रखी जाएंगी। इन मूर्तियों पर जो काम है वो 2013 से लगातार हो रहा है और इन मूर्तियों के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति है, रंजीत मंडल। रंजीत मंडल आप यकीन रखिए कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं
और नई मंदिर की भव्यता के साथ उनकी जो कला है वो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रही है। उन्होंने खास बातचीत में बताया कि पूरी दुनिया से उन्हें ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो रामलला को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अयोध्या में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं श्री राम कथा कुंज, जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र है यहाँ पर आने वालों के लिए, क्योंकि ये मुख्य शिल्पी रंजीत मंडल जी की कार्यशाला है। एक ऐसा नाम जो कि भारत की मूर्तिकला को पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं, और मैं बहुत खुशी के साथ आप सभी को मिलाना चाहता हूँ रंजीत मंडल साहब से, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। ये सारी मूर्तियाँ उन्होंने बनाई हैं। बताइए कि भगवान राम जी का जो नया मंदिर बन रहा है, अब ये सारी मूर्तियाँ कब तक आप बना पाएंगे, कब तक भगवान राम के मंदिर में प्रतिष्ठित हो पाएंगे? देखिए, पहले तो रामलला का उद्घाटन होगा, एक नंबर। उसके बाद मंदिर का कुछ कार्य बाकी है, और उसके बाद कॉरिडोर बनेगा, उसके बाद जाएगा तो हमारा मूर्ति बनते बनते मान के चलिए तब तक मेरा हो जाने का आशा हो जाएगा, क्योंकि 2-3 साल लगेगा। और हमारा तो देश के किस किस कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे पता चला है विदेश से भी लोग आ रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम। ऐसा है कि विदेश से भी बहुत लोग आ रहे हैं, जैसे इंडिया नहीं सिर्फ विदेश के लोग ज़्यादा जागृत हैं, हमको लगता है ऐसा। सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे रहते हुए हमें इन रामायण से संबंधित मूर्तियों के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है 22 जनवरी को मूर्ति की स्थापना, मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा भी है। मैं अपने सारे परिवार के साथ अयोध्या में आया हूँ। जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि हमारे अयोध्या नगरी आज स्वर्ग समान हो रही है, हो सके कि 22 जनवरी को हमें ये पूर्ण अवसर ना मिले देखने का, इसके पहले ही हम आज अपने परिवार को लेके आए गए। और जब इस जगह पे आए और आने के बाद जब हमने देखे कि शिला श्री राम मंदिर जन्मभूमि के मूर्ति निर्माण का कार्य इस प्रमुख जगह में हो रहा है, तो हम इस स्थान का दर्शन करने का हम बहुत भाग्यशाली हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संत। अच्छा एक्सपीरियंस है, देख रहे हैं अपना मंदिर का कार्य जैसे चल रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार आया अयोध्या। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, और जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम के आने की खुशी में संत समाज में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, और अयोध्या के सबसे बड़े मठ जिसको मडराम छावनी के नाम से जानते हैं नृत्य गोपाल दास जी, जो कि पर्याय बन चुके हैं इस पूरी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि ट्रस्ट के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे और इनके ऊपर संत समाज और सरकार और जनता का बहुत बड़ा भरोसा। हमारे संवाददाता रमा त्यागी ने उनसे खास बातचीत की, आइए सुनते हैं क्या कहना उनका। बड़े सौभाग्य की बात है रामलला आ रहे हैं। हम मंदिर का निर्माण हो गया है, कुछ करना बाकी नहीं रह गया है। सभी महात्मा सभी भक्त एक साथ एक स्वर से मिल करके मंदिर के निर्माण में और भी जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करेंगे। कितना बड़ा योगदान इसमें, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन संतों का भी रहा है? सभी जितने महात्मा हैं साधु संत हैं सभी का पूरी तरह से योगदान है, आगे भी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा, कितना बड़ा बदलाव इससे आप आता देख रहे हैं अयोध्या में भी और देश भर में भी? सभी जगह अयोध्या क्या सारी दुनिया में सभी लोग चाहते हैं सरकार से मंदिर का निर्माण हो। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रमा त्यागी जुड़ रहे हैं सीधे लता मंगेशकर चौक से, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ा है जो ये विकास के कार्य हो रहे हैं यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था। रमा, बहुत धन्यवाद, आपके जरिए हम समझना चाहते हैं, कुछ दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि किस तरह से गुलजार नजर आ रहा है लता मंगेशकर चौक जहाँ इस वक्त आप खड़ी हैं।
बिल्कुल अयोध्या का एकदम कायापलट आप कह सकते हैं। जिस तरह से हम कह रहे हैं भव्य नव्य दिव्य राम मंदिर, उसी तरह से भव्य नव्य दिव्य अयोध्या के भी दर्शन यहाँ पर होते हैं। लता मंगेशकर चौक पर मैं खड़ी हूँ और बेहद खूबसूरत ये चौक है और इस पर लगातार आप देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, सेल्फी लेते हैं वो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना यूट्यूब के चैनल्स भी यहाँ से चलाते हैं। तो एक ये कहा जाए कि जो आर्थिक स्थिति है यहाँ के लोगों की, इकोनॉमी है, जो धर्म का पर्याय है, जो जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं उसका तो ये है ही जो स्पिरिचुअलिज्म है, इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो आधार है वहाँ यहाँ का, वो भी ये मजबूत कर रहा है। जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर मेरे एक तरफ धर्म पथ है, दूसरी तरफ भक्ति पथ है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो थोड़ा सा कैमरा पैन करके आपको दिखाएँ और दिखाएँ कि पीछे किस तरह से जब अयोध्या के अंदर प्रवेश किया जाता है तो किस तरह से सजावट का काम हो रहा है। थोड़ा सा अगर ये पीछे करके दिखाएंगे तो दिखाई देगा कि किस तरह से जो सौंदर्यीकरण का काम है, जो सड़कें हैं, जो नैरो रोड्स थी वो 4 लेन की कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो सौंदर्यीकरण का काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप देखिए ये जो स्तंभ लगे हुए हैं, ये स्वागत स्तंभ एक तरह से कहे जा सकते हैं, जय श्री राम इन पर लिखा हुआ है। इसके साथ ही जो सड़क से लगती हुई दीवारें हैं उन पर तमाम जो है, जी अजय मुझे आपकी आवाज़ मिल रही है बताएं, तो लगातार यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम जो है वो लगातार जारी है। और इकोनॉमी की बात करते हैं तो जिस तरह से पर्यटक हैं, जिस तरह से श्रद्धालु हैं यहाँ पर आ रहे हैं, उससे एक लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम परियोजनाओं की बात करते हैं तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं हैं जो यहाँ पर आ चुकी हैं, जिनके तहत यहाँ पर काम हो रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि 16 किलोमीटर का जो दायरा है, 100 किलोमीटर का जो दायरा है, उसमें 16 लाख के रोज़गार होंगे, इसका अनुमान जताया जा रहा है। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात करते हैं तो 45,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव तो अपने आप में दिखाते हैं, ये एक वानगी है कि किस तरह से अयोध्या का पूरा स्वरूप बदल रहा है, किस तरह से अयोध्या पूरी तरह से बदल रही है। तमाम यहाँ पर जो निवेश के अवसर हैं वो खुल रहे हैं, तमाम रोज़गार के रास्ते हैं, जो नए रोज़गार के रास्ते हैं, परंपरागत के साथ साथ जो आधुनिक विकास है, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि परंपरा और विकास साथ साथ यहाँ पर दिखाई देती है। हाल ही में यहाँ पर नए रेलवे स्टेशन और नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसमें पहली फ्लाइट भी यहां पर कल आई, 180 जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं उनको लेकर। इसके साथ ही यहां पर क्रूज है, यहां पर जो जलमार्ग है उसका भी विस्तार किया जा रहा है। तो तमाम मार्गों से कनेक्टिविटी जो जुड़ती है, केवल यहीं की नहीं बल्कि आसपास के शहरों की, आसपास के राज्यों की, वो एक बहुत बड़ा स्तंभ साबित होने वाली है यहाँ के विकास का, यहाँ पर आर्थिक धारा जो है उसको मजबूत करने का अजय। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जुड़ने के, और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा इन विकास कार्यों का, वो हमारे प्रश्नों तक पहुँचाने के लिए फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। लेकिन लगातार इस सीरीज में आपको अलग अलग हिस्सों से देश के यहाँ पर जो हमें असर दिखाई दे रहा है विकास, आप चाहते रहे पहुंचाते पूरी टीम को राम। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं बताई हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे, जिसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप शामिल हैं। खंभों व दीवारों में देवी देवता तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर का निर्माण पूरी तरह से भारतीय परंपरा अनुसार और स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।